नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं जीपीएस मास्टर मनोज। आज हम बोलेरो पिकअप में जीपीएस इंस्टॉल करेंगे जो कि बोस्ट्रा का जीपीएस है। चलिए दोस्तों पूरा फुल प्रोसेस देखिए। अभी जीपीएस इंस्टॉल शुरू हो चुका है। ये पिकअप का गाड़ी है, देखिए उसके साइड में देखिए नोट नट है, जो स्टेयरिंग है स्टेयरिंग बॉक्स के नीचे देखिए वो बक्स है, दोनों साइड में दो नट है, बस उसको खोलने से निकल जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है प्लीज़। देखिए अभी बक्स निकल चुका है। अभी चाबी का कपलर कौन सा है हम देख रहे हैं। अभी देखिए चाबी का कपलर है, इसमें दो कपलर है, ये जो रेड कलर व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन है वो ग्रीन का है, वही कपलर देखिए चाबी का कपलर है। अभी हमको उसमें टेस्ट करके दिखा रहे हैं, इसमें 12 वोल्ट का मेन करंट किसमें आ रहा है। देखिए इसमें लाइट जल चुका है, इसका मतलब ये 12 वोल्ट का मेन करंट है जो कि डायरेक्ट करंट है, जो रेड और वाइट का है। इसके साइड में जो ग्रीन कलर का वायर है उसी में हम दे रहे हैं। देखिए अब इसको चाबी को ऑफ करेंगे, देखिए लाइट बंद हो गया, देखिए लाइट जल रहा है, तो इसका मतलब इग्निशन का करंट है। अभी दोस्तों ये दोनों वायर जो हमने पता लगा चुका है कि कौन सा इग्निशन है कौन सा मेन करंट है। अब इसमें जीपीएस इंस्टॉल करेंगे। देखिए जीपीएस का कनेक्टर है, इसमें 4 वायर देता है, एक रेड का है, एक ब्लैक का है, ऑरेंज का है और येलो का है, ये 4 वायर है। देखिए रिले का वायर है, इसमें 4 वायर देता है। देखिए दो ग्रीन कलर का वायर है, एक वाइट का है और एक येलो का है। देखिए ये जीपीएस है जो कि बोस्ट्रा का जीपीएस है, इसमें सिम लगा हुआ है और उसके साइड में भी स्विच है। अभी इसको हम कनेक्शन करेंगे। देखिए अभी रिले इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी जो इग्निशन का जो कनेक्शन था उसमें से हमने ये कनेक्शन ये कपलर से निकाल चुके हैं और रिले का जो ये कनेक्शन है अब इसमें हम क्लिपिंग कर चुके हैं अच्छे से। अभी देखिए दूसरा कनेक्शन कर रहे हैं। अभी रिले का जो दूसरा वायर है, अभी देखिए कपलर में जो हमने निकाला था जिस वायर को उसी में हम क्लिपिंग कर रहे हैं, इसमें हम किसी प्रकार का वायर कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट कपलर से ही इसको रिले इंस्टॉल करेंगे। अभी देखिए उसको हमने क्लिपिंग, अभी जो जीपीएस का जो वायर है उसका हम अभी कनेक्शन दे रहे हैं। अभी देखिए जो मेन कनेक्शन था हम इसमें किसी प्रकार को वायर कटिंग नहीं करेंगे, तो देखिए एक वायर हमने यहाँ से लूपिंग की है जो कनेक्शन में इसमें जीपीएस में इसमें कनेक्शन करेंगे। अभी देखिए इसमें टैग कर रहे हैं, देखिए उसको अभी कपलिंग, देखिए अच्छे से कपलिंग कर चुके हैं। देखिए जीपीएस का जो रेड कलर का वायर है और हमने जो लूपिंग करके वायर लाए थे मेन करंट का डायरेक्ट करंट का, वो वायर और जो रिले का जो वाइट कलर का वायर है वो तीनों का हमने अच्छे से टैग कर चुके हैं। देखिए रिले का जो येलो कलर का वायर है और जीपीएस का जो येलो कलर का वायर है ये दोनों का हम अच्छे से टैग कर चुके हैं। देखिए जो इग्निशन का वायर है हमने जो रिले का जो ग्रीन कलर का वायर है उसी में एक ही साइड में हमने इसको दे चुके हैं। अभी सिर्फ एक ही कलर बचा हुआ है जो कि अर्थिंग का है, ब्लैक कलर। अब हम अर्थिंग दे रहे हैं, वायर है हमने इसमें अर्थिंग में दे चुके हैं बॉडी में। ये जो ग्रीन कलर का वायर है वो अर्थिंग में अभी टाइट करके दिया हुआ है, तो इसमें हमने इसमें लूपिंग कर चुके हैं। देखिए अभी जीपीएस का जो भी कनेक्शन था बराबर हो चुका है, अभी इसमें जीपीएस इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये जीपीएस है, इसमें स्विच ऑन करेंगे, देखिए स्विच ऑन हो चुका है, अभी इसको क्लिपिंग करेंगे। देखिए ये जीपीएस अभी बराबर कनेक्शन है, इसमें लाइट ब्लिंक कर रहा है, अभी 3 लाइट है इसमें, अब देख सकते हैं अभी ये ग्रीन कलर का, देखिए ग्रीन कलर का वाइट है, इसमें रेड और बीच में येलो का है, ये तीनों लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये कनेक्शन बराबर है। चलिए इसको अभी जीपीएस एक्टिव करेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से टाइप करके जीपीएस का जो भी कनेक्शन था बराबर हो चुका है। अभी जो भी कपलर में हमने वायर निकाले थे उसको अभी अच्छे से टैग कर चुके हैं। अभी देखिए इसमें ये जीपीएस को भी हमने यहाँ से टैग कर चुके हैं अच्छे से, ये गाड़ी चलने के टाइम भी फर्दर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, अभी दूसरा वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।